एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बुधवार को तहसील सदर के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ने बताया कि बेतिहाता स्थित नारायण चिकित्सालय व सौरव निदान केंद्र केडिया हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसे सील कर दिया तथा वहां के सभी कर्मचारियों को जांच कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीएम सदर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर गाँव को सील किया गया। इसके अलावा कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ा घाट के गिरधर गंज के हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। सब लोग की जांच हो गई? 16 लोग जांच हो गई? फाइनली आते चौकी पड़ती है नहीं? नहीं नहीं सर, पुतवा दिखा। ये कहाँ रहता था पीछे? इस मकान में पीछे वाला मकान तो कहाँ से आया? ये सर आया दिल्ली, दिल्ली से है। 14 तारीख इन सब घर को कराना पड़ेगा ना, जहाँ रहे हैं ये। कब आए थे? 14 तारीख शहर के लगभग 4 हॉटस्पॉट का विजिट किया गया। थाना रामगढ़ ताल के अंतर्गत रामपुर, वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया हमने बनाया और जो पॉजिटिव व्यक्ति थे उनको शिफ्ट कराया गया और जितने भी पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग हैं उनकी भी जांच के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त थाना कैंट में जगदीशपुर महादेव झारखंड टुकड़ा नंबर 2 में कूड़ा घाट के पास, वहाँ पे भी एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, उस एरिया को भी सील कराया गया। नगर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा उस एरिया का सैनिटाइजेशन कार्य किया कराया गया और उस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए सभी लोगों की जाँच भी कराने के लिए उनको भेज दिया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली अंतर्गत केड़िया हॉस्पिटल जो है, केड़िया हॉस्पिटल भी गए। केड़िया हॉस्पिटल में एक उनकी फार्मेसी दुकान पे एक व्यक्ति काम करता है, वो भी पॉजिटिव मिला है। उस केड़िया अस्पताल को भी हमने 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। उस एरिया को भी, फार्मेसी की दुकान जो उसकी अलग है उस एरिया को भी सील कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त वहाँ पर सैनिटाइजेशन कार्य कराया गया। लगभग 58 कर्मचारी हैं जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उन सबके लिए सबका टेस्ट कराने के लिए बोला गया। कल उनका सभी का टेस्ट होगा। माया बाजार में हम गए, वहाँ कंटेनमेंट बनाया, वहाँ पर भी एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है, उसके संपर्क में आए लगभग 15-16 व्यक्ति हैं जो कि संभावना है, उनकी भी टेस्ट के लिए बोला गया है। और कंटेनमेंट एरिया में जो आवश्यक वस्तुएं हैं और आवश्यक सामान की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला शरणालय, राज्य के महिला शरणालय में जो कि हमने शिफ्ट करा दिया था अस्थायी तौर पर बशारतपुर नगर रैन बसेरा नगर निगम में, वहाँ पे एक और बच्ची का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है आज, रिया खातून का, 18 साल की बच्ची है। तो 2 पॉजिटिव केस हो गए, अब वो उनको शिफ्ट करा रहे हैं और उसको वापस से महिला शरणालय में शिफ्ट कराया जा रहा है अभी, और उसको भी सैनिटाइज कराया गया। उसमें भी फिर 250 मीटर का जो कंटेनमेंट एरिया है वो बनाया गया।